आज मैं आपको बचे हुए कपड़े से बेबी के लिए ड्रेस बनाना बता रही हूँ। पिछले वीडियो में आपने साइड स्लिट कुर्ती बनाना सीखा था, उसी से बचा हुआ कपड़ा है जिससे मैं बेबी के लिए फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाना बताऊंगी। इस बचे हुए कपड़े से आज मैं आपको फ्रंट स्लिट कुर्ती बनाना सिखाऊंगी। चलिए कटिंग करते हैं। इसके लिए अस्तर का एक छोटा सा पीस है, आधा मीटर से भी आधा है। पहले कटिंग अस्तर पे ही करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा आधा मीटर से भी आधा है। इसको डबल किया और एक बार इसको फिर डबल कर दिया। इसको चार लेयर में रख दिया है। तो ये जो कुर्ती की साइज में बना रही हूँ, ये 2 से 3 साल तक की बेबी के लिए बना रही हूँ। आपको अपनी बेबी की लंबाई याद रखना है कि आपको कितनी लंबी कुर्ती बनाना है। तो जैसे कि मैं इस पूरी कुर्ती की लंबाई रखूंगी 23 इंच, तो पहले उसमें से 9 इंच की चोली निकालेंगे और 14 इंच का घेरा निकालेंगे। पहले कपड़े को सीधा करना है, इसी निशान से आपको निशान लगाना है। 9 इंच की चोली बनाना है तो कटिंग करना है 10 इंच से, 1 इंच मार्जिन के लिए 10 इंच पे निशान लगा देना है और इस निशान को सीधा करना है। इसी निशान से अब हमें शोल्डर के लिए निशान लगाना है। तो शोल्डर है जैसे 8 इंच, तो उसका हाफ रखेंगे 4 इंच। 4 इंच पे निशान लगाने के बाद 2 पॉइंट मार्जिन का बढ़ाना है। अब इधर से रखना है आर्म होल के लिए, तो 4 इंच पे ही लगाएंगे आर्म होल का। अब निशान लगाना है सीना की साइज का। जैसे कि सीना 22 इंच है तो उसका चौथाई भाग लेना है 5.5 इंच और इस निशान को इससे मिला देना है। अब लेना है कमर का चौथाई भाग। कमर जैसे 21 इंच है तो उसका चौथाई भाग लेना है 5 इंच 2 पॉइंट, इस निशान को इससे मिलाना है। अब यहाँ पे लेना है 1 इंच मार्जिन के लिए। ये हो गया मार्जिन का और इसको इस तरह मिला देना है। अब आधा इंच के हिसाब से यहाँ पे गुलाई देना है। तो मार्जिन के निशान से मिला देना है। अब हमें गले की साइज रखना है, तो जैसे कि गले को 2.5 में तैयार करना है तो निशान लगाना है 2 इंच 2 पॉइंट का। लंबाई में इसको 3.5 में तैयार करना है तो निशान लगाएंगे हम 3 इंच 2 पॉइंट पे और इसको मिला देना है। अब इसमें गुलाई करना है, यहाँ पे हल्का सा तिरछा। अब हमें सेम निशान पे कटिंग करना है। इसमें आर्म होल में आपको कुछ नहीं करना है और गले में भी कुछ नहीं करना है, दोनों साइड के गले बराबर रखेंगे। इस तरह कटिंग करके निकाल लेना है। अब हमें घेरा निकालना है। तो ये बचा हुआ कपड़ा है, इसको आपको देख के और समझ के निकालना है। पहले चोली निकाल लेते हैं। इसी तरह आपको देखना है कि किस साइड से आपकी चोली निकल सकती है। इसको फैला के रखना है और इसको खोल के रखेंगे और बराबर काट के निकाल लेंगे। गले को छोड़ देना है और बाकी आपको सेम कटिंग कर देना है। इस तरह डबल में रखा और कपड़े को निकाल लिया। अब हमें घेरा निकालना है। अब आपको कपड़े को देखना है और समझना है कि किस साइड से हमारा घेरा निकल सकता है। तो इस तरह देखना है आपको कि इस साइड से निकलता है कि इस साइड से निकलता है, उसी साइड से आपको निकालना है। अब जैसे कि घेरा की लंबाई रखना है, तो इसकी लंबाई जैसे पूरी एक बार में नहीं आ रही है, तो अब आपको क्या करना है। पहले जैसे कि मैंने बताया कि घेरा की लंबाई हम 14 इंच रखेंगे, पहले 10 इंच की निकालेंगे और फिर एक पट्टी हम 4 इंच की निकालेंगे। इस तरह हम लंबाई को पूरी करेंगे। तो पहले हमें 10 इंच की पट्टी चाहिए, तो इसकी कटिंग करना है हमें 5.5 इंच से। तो इस तरह देखना है कि 5.5 इंच हमारा कहाँ पे आ रहा है। ये हमारा 5.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे निशान लगा लिया
और यहाँ पे भी निशान बना दिया कि यहाँ पे कम पड़ रहा है और यहाँ पे हमारा फिक्स आ रहा है। तो 5.5 पे निशान लगा दिया कि आधा आधा इंची दबने में जाएगा और 10 इंची हमारा सेप बचेगा। अब इसी तरह हम निशान लगा देंगे पूरी पट्टी में, 5.5 के हिसाब से पूरी पट्टी को निकाल लेंगे। तो ये कपड़ा डबल में रखा हुआ है इसलिए इसको 5.5 पे निशान लगाया। तो अब आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई ये पूरी 11 इंच की है। तो अब आप देख सकते हैं कि इतने कपड़े में घेरा कम आएगा, तो इसमें आपको एक जॉइंट लगा देना है। इस तरह रखेंगे, घेरा को आपको किस तरह निकालना है तो वो मैं आपको आइडिया बता देती हूँ। इस तरह आपको कपड़े को डबल रखना है और फिर इस तरह देखना है कि अभी हमें इतना कपड़ा और चाहिए। इस तरह कपड़े को काट के निकाल दिया है, तो एक घेरा ये निकल गया है। अब हमें एक घेरा नीचे के लिए और निकालना है। तो अब हमें 5 इंच के हिसाब से कपड़ा चाहिए, 5 इंच पे इधर निशान लगाना है और 5 इंच के हिसाब से सीधी पट्टी निकाल लेंगे। इस तरह मैंने कुछ पट्टियां काट के निकाल ली हैं, जो घेरा में नीचे की साइड जॉइंट होंगी। और कटिंग करते समय आपको ध्यान देना है कि जब आप कपड़े की कटिंग कर रहे हैं तो इसका पैटर्न पूरा एक साइड जाना चाहिए, जिससे जॉइंट लगाने के बाद इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह कटिंग हमारी पूरी हुई। अब आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और चलिए अब सिलना शुरू करते हैं। अभी आपको शायद ये अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे हम सिलते जाएंगे आपको क्लियर समझ में आता जाएगा। तो अब आपको एक अस्तर का पार्ट निकालना है और एक नीचे का पार्ट। इसको इसके ऊपर रखेंगे, इसको सीधा रख दिया, अस्तर को इसके ऊपर रख देना है। अब पिन से इसको रोक देना है। अब इसमें आपको 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई घुमाते जाना है। तो पूरे गले में आपको सिलाई घुमाना है और आर्म होल में भी आपको सिलाई घुमा देना है दोनों साइड। इस तरह आपको सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद अब यहाँ पे कट लगाना है। तो इस तरह आपको कट लगाना है और इसको पलट देना है। पिन को निकालेंगे और इसको पलट देंगे। इस तरह आपको पलट देना है और अस्तर को पूरी तरह से पीछे की साइड करना है और इसी तरह हमें पार्ट दूसरा बनाना है। इस तरह आपको दोनों पार्ट को तैयार करके रखना है और पिन लगा के रखना है, जिससे आपको अस्तर नहीं संभालना पड़ेगा। उसके बाद इसको इसके ऊपर पलटना है, एक को सीधा और एक को उल्टा रख दिया। दोनों को बराबर मिलाना है और 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। तो दोनों साइड सिलाई डाल दी है। उसके बाद इसको सीधा करना है और इस सिलाई को इस तरह दबाएंगे, सिलाई को एक साइड दबा देना है। उसके बाद 2 पॉइंट के हिसाब से गोल सिलाई घुमा देना है। तो आर्म होल में भी डालना है और गोल सिलाई आपको गले में भी डालना है। तो 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई इसमें चलाना है। तो 2 पॉइंट की सिलाई इसमें डाल दी है। अब आगे और पीछे के पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हमें घेरा बनाना है। अब हमने घेरा का पार्ट उठाया और इसको सीधा रख दिया। अब इसको आपको उल्टा रख देना है, जो जॉइंट लगाएंगे उसको उल्टा रखना है। एक जॉइंट इस साइड आएगा और दूसरा जॉइंट इस साइड आएगा। 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई चला देना है। दोनों साइड हम 1/2 इंच की सिलाई चला देंगे। इस तरह हमने सिलाई डाल दी है। उसके बाद इसको इस तरह खोल देना है, अच्छे से दबाते हुए खोलना है और नाखून से दबा देंगे।
और इस पे प्रेस कर देंगे तो ये सेंटर से बिल्कुल मिल जाएगा। इसी तरह हम इस साइड का करेंगे। ये ऊपर का घेरा ज्वाइंट कर लिया है, अब हमें नीचे का ज्वाइंट करना है। अब इसी तरह हमें इसमें ज्वाइंट लगाते जाना है, रखना है आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते जाना है, खोलते जाएंगे और फिर आगे ज्वाइंट लगाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ज्वाइंट लगाने के बाद काफी लंबी पट्टी तैयार हो गई है। उसके बाद आपको प्रेस कर देना है। इस पे प्रेस करने के बाद अब आपको ऊपर के घेरा से इसको मिला के देखना है। इस तरह मिला के देखेंगे और ये हमारा जो कपड़ा बढ़ रहा है उसकी हमें जगह जगह इसमें प्लेटें भरना है। तो अब मैं आपको प्लेट बनाना बता रही हूं। 2 इंच के हिसाब से कपड़े को छोड़ना है और 1 इंच कपड़े को पकड़ेंगे और इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। तो कुछ दूरी पे फिर एक प्लेट बनाएंगे। इस तरह प्लेट बनाते जाना है और यहाँ पे आपको विशेष ध्यान रखना है, जहां पे जॉइंट आएगा उधर आपको अच्छे से ध्यान देना है। तो आपको प्लेट कैसे उठाना है, इस जॉइंट को अंदर की साइड लेना है, इस तरह अंदर की साइड लेना है और इसको पलट देना है। तो जॉइंट को अंदर छिपाना है और इस तरह प्लेट को बनाना है। तो यहाँ पे अब जॉइंट दिखेगा ही नहीं और इसी तरह प्लेट हम बनाते जाएंगे। तो इस तरह आपको प्लेट बना देना है। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि जॉइंट को बीच में लाना है, जिससे सफाई से दिखेगा और जॉइंट से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। और इस तरह आपको मिला के देख लेना है। अगर ये बराबर से नहीं आती है तो बराबर से लाने के लिए आप एक आध प्लेट को खोल सकते हैं, छोटी बड़ी कर सकते हैं। अब इसको सीधा रखना है और इसको उल्टा रखना है, इसको सीधा, इसको उल्टा, इस तरह रखना है और सिलाई डालते जाना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाते जाना है, बस मिलाते जाना है। इस तरह इसमें पूरे में सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद इसको पलटना है और इसके पिन निकाल लेना है। अब इसको उल्टा करना है और आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस तरह फोल्ड कर देंगे। इसी तरह हमें इस साइड भी करना है। आधा इंच कपड़े को पीछे की साइड आपको दबाना है और इसमें पाइपिंग लगा देंगे। अब पाइपिंग को सीधा रखना है और इसके ऊपर इसको रख देना है, मिलाते हुए किनारे से सिलाई चला देना है। तो इस पे सिलाई हमें 2 डालना है, एक किनारे से और दूसरी 2 पॉइंट की दूरी से। इस तरह दोनों साइड पाइपिंग को लगा दिया है। उसके बाद क्या करना है, सुई धागा लेना है और इसको छोटा छोटा करके इसमें भर देना है, जिससे हमारी छोटी छोटी प्लेटें बनके तैयार हो जाएंगी। इस तरह हम धागा को डालते जाएंगे। तो पूरे कपड़े में हमें पहले धागा को डाल देना है। तो इस तरह जब आप धागा डालेंगे तो इस तरह का घेर बनके तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब हमें पहले चोली में फिटिंग कर देना, फिर इसको उसमें जॉइंट करना है। तो पहले हम चोली में फिटिंग कर लेते हैं। तो क्या करना है, आपको इसी निशान को डार्क करना है और इस तरफ पलट देना है। तो ये निशान इस तरफ भी आ गया है, उसको डार्क करना है और मिला के रखना है और दोनों पे सिलाई डाल देना है। तो दोनों साइड इसकी फिटिंग की सिलाई डाल दी है, अब इसको हम सीधा कर देंगे। सीधा करने के बाद अब आपको बीच का सेंटर याद रखना है। आप इस तरह भी देख सकते हैं, इस तरह पलट के देखना है और बीच में निशान बना लेना है।
तो ये इसका बीच का सेंटर हो गया। अब क्या करना है, घेरा को उठाना है, घेरा को उठाना है और इसके ऊपर रख देना है, इसी लाइन के पास रखना है और इसमें सिलाई डालते जाना है। मशीन चलाते जाएंगे और गोल घुमाते जाएंगे, इसको इसमें फिट करना है और इसको खींचते जाएंगे तो ये बराबर अपने से आता जाएगा। इस तरह आप खींचेंगे और बराबर से लाना है, इधर से शुरू करना है और इधर ही लास्ट करेंगे। तो एक बार आप फिर ध्यान से देखिए, इसी निशान के पास मैंने पिन को लगा दिया और पूरे में सिलाई डालते हुए लास्ट इधर ही करना है, इसी पिन को इसमें भी फंसा दिया तो दोनों को इधर ही मिला देना है, बस पूरे में गोल सिलाई घुमाना है। तो इस तरह आपको गोल सिलाई डालना है। अब पिन को निकाल देंगे और इसको सीधा कर देंगे, तो इसको सीधा कर दिया है। अब इसमें क्या करना है, जो बची हुई लेस थी उसको इसमें लगा देना है। इसका पिन निकाल देते हैं और इसके बीच में रखना है, ऊपर से बीच में रखेंगे और इस तरह सुई धागा से इसको टांग देंगे। तो ये फ्रंट स्लिट कुर्ती बनके तैयार है। अब आपको नीचे की साइड सिलाई डालना है, तो पहले एक बार फोल्ड करना है और इसको डबल फोल्ड करना है और मिलाते हुए सिलाई डालते जाना है, कपड़े को फोल्ड करते जाना है और सिलाई डालते जाना है। तो इसमें पूरे में मैंने नीचे की साइड सिलाई डाल दी है और यहाँ पे लेस भी लगा दी है। अब ये बनके पूरी कंप्लीट हुई, अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। तो इस तरह ड्रेस तैयार हो गई है। अब आप देख सकते हैं कि बची हुई कपड़े से एक सुंदर ड्रेस तैयार आप कर सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।